आज मानो लग रहा है कि यज्ञ सफल हुआ। आज कपिलवस्तु की आंखों में मैंने भावी सम्राट की छवि देख ली। प्रजा तथास्तु। सच आज का दिन बहुत ही शुभ है। सिद्धार्थ ने अपनी क्षत्रियता का प्रमाण दे दिया और 10 वर्ष पश्चात यशोधरा को देख के मन प्रसन्न हो गया। हाँ प्रजा, परंतु चिंता इस बात की है कि देवदा लौटने के पश्चात राजा दंडपाणि उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बिना उनकी आज्ञा लिए यहां जो आई है। कुछ नहीं होगा, पिता कितना भी कठोर हो पुत्री के आगे झुक ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पुत्री पिता के यहां अतिथि होती है। ये क्या है? छोड़ो छोड़ो देवदत्त, छोड़ो। ये क्या कर रही है? ये सब क्या है देवदत्त? एक पराजित योद्धा को दंड दे रहा हूं, अपने मरते हुए अहंकार को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। निराश ना हो देवदत्त, और ये कोई अंतिम प्रतियोगिता नहीं है। आज सिद्धार्थ का भाग्य अच्छा था तो वो जीत गया, परंतु कल कल कुछ नहीं होगा पिताजी। कल एक भव्य शोभा यात्रा होगी, सब कुमारों के साथ मैं भी अश्व पर होऊंगा और रथ पे सवार होंगे युवराज सिद्धार्थ गौतम, और सब तरफ मेरी पराजय का शंखनाद होगा। और कुछ नहीं। हृदय छोटा ना करो पुत्र, तुम्हारी पराजय में भी तुम्हारी विजय है। देने को आश्वासन अच्छा है पिताजी, किंतु इसमें मेरी कोई आस्था नहीं। इस पर तो है, महाराज ने दिया है, तुम्हारे लिए है। संगीत उत्सव में तो तुम आए नहीं, परंतु महाराज ने मुझे स्वयं बुलाकर कहा कि मैं जानता हूं देवदत्त निराश होगा। उसे जाके कहना कि स्पर्धा में कोई विजयी होता है तो कोई पराजित, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो पराजित हुआ उसका मूल्य कम हो गया। देवदत्त और सिद्धार्थ तो कपिलवस्तु के दो नेत्र हैं। सिद्धार्थ मेरा अभिमान है तो देवदत्त सम्मान। मुझे वहां अकेला छोड़कर यहाँ क्या देख रहे हो? राज प्रसाद की सीमा। उसमें देखने जैसा क्या है? कल शोभा यात्रा होगी गोपा, कल प्रथम बार मैं राज प्रसाद की सीमा पार जाऊंगा। क्या तुम आज तक कभी राज प्रसाद के बाहर नहीं गए? नहीं। अर्थात राज प्रसाद के बाहर की सृष्टि के बारे में तुम जानते ही नहीं? जानता हूँ ना, गुरुओं से, वेदों से, उपनिषदों से, अतीत की कहानियों से, मन की आंखों से इस खूबसूरत सृष्टि को देखा है मैंने, पर कल प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कल प्रथम बार नगर के द्वार मेरे लिए खुलेंगे, कल मैं अपनी प्रजा से मिलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अतिथि देवो भव।
पूरी सावधानी रखी है ना महामंत्री? जी महाराज। युवराज सिद्धार्थ जिस मार्ग से यात्रा करेंगे वहां चारों ओर सुगंधित फूल, हंसते चेहरे और प्रसन्नता का संगीत होगा। चारों ओर युवा जगत ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे। युवराज, जब आप महाराज बने तो मुझे अपना रक्षक बना लेना। सुना है कपिल वस्तु के लोग तुरंत अपने हृदय में किसी को नहीं बसाते, पर तुम तो अभी से इनके हृदय पर राज कर रहे हो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अजय राजा हमारे बच्चों को चीता उठा कर ले गया। कब? बस थोड़ी देर पहले युवराज। तब तो निकट ही होगा, चलो चलो। युवराज आप यात्रा छोड़कर नहीं जा सकते। ये समाचार सुन मैं रुक भी नहीं सकता। महाराज सुनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता न करिए, मैं और देवदत्त युवराज के साथ जाते हैं। आप राजप्रसाद जाइए। चल क्या चीते यहाँ अधिकांश देखे जाते हैं? नहीं युवराज, कुछ ही दिन हुए जंगल में आग लगी थी तब चीते बस्ती की ओर आ गए। वो देखो चीते के पंजों के निशान। पंजों के चिन्ह पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो। चीता अपने आखेट को दूर तक नहीं ले जा सकता, वो यही कहीं होगा। केवल एक बार दिखाई दे जाए जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं ज्येष्ठ, तुम उसकी हत्या नहीं करोगे, हम उसे जीवित पकड़ेंगे। सुना बच्चे के रोने की ध्वनि वहां झाड़ियों से आ रही है। ये तो चमत्कार हो गया, बालक जीवित है। जीवित है पर इसका रक्त स्त्राव रोकना पड़ेगा, इसे तुरंत ही वैद्यराज के पास पहुंचाना होगा। यशोदरा ठीक कहती है अनुज, तुम बच्चे को लेकर तुरंत निकलो। चीता अपना आखेट खोजता हुआ यहाँ अवश्य आएगा। आज मेरे हाथों उसकी मृत्यु। नहीं जेस, तुम उसकी हत्या नहीं करो, तुम उसे जीवित पकड़ो। वचन दो मुझे, वचन दो जेस। ठीक है, नहीं करूंगा। किंतु इस समय तुम केवल बच्चे के बारे में सोचो, चीते के बारे में नहीं। जाओ। वैद्यराज को बुलाइए। सिद्धार्थ, मैं इस बच्चे को यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी सैनिक के हाथों भेज दिया होता। बच्चे को घायल देख मैं अपने आप को रोक ना सका पिताजी। परंतु लोग क्या कहेंगे? प्रजा एक पराक्रमी राजा चाहती है, दयावान नहीं। प्रथम तो तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, यदि गए तो चीते के अखेट पर जाते।
इस बच्चे को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? एक भावी सम्राट को हर क्षण अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए युवराज। प्रणाम महाराज। रक्तस्राव रोकने का प्राथमिक उपचार कारगर रहा। किसने किया है? यशोधरा ने। ईश्वर की कृपा से बहुत साधारण घाव आए हैं, शीघ्र ठीक हो जाए। हमारे पुत्र ने एक बच्चे के प्राण बचा लिए थे, परंतु एक शूरवीर कहलाने का अवसर खो दिया। आप जैसे युवराज पाकर धन्य हो गए युवराज, हम धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए। युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की, युवराज की। पूरा राज प्रसाद आपके पुत्र के जय घोष से गूंज रहा है देव। सम्राट में करुणा नहीं होनी चाहिए प्रजापति, सत्ता वही रहती है जहां भय होता है। मैं मानता हूं कि आयु के साथ साथ विचार भी बदलते हैं, परंतु आंखों में अपने पिता के प्रति स्नेह घटता है, ये कभी नहीं सुना था। सिद्धार्थ, तुम अपने पिता से कितना स्नेह करते हो? जितना एक पुत्र अपने पिता से करता है। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो? अगर वो कहें तो भी इन चरणों पर अपने प्राणों को त्याग सकता हूं। ये क्या है देवदत्त? नरभक्षी का सर जिसने बालक पर आक्रमण किया। ये तुमने क्या किया चिष्ट? तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम इसकी हत्या नहीं करोगे। और काका, हमने प्रयत्न किया था सिद्धार्थ, परंतु वो भाग रहा था। ये तो देवदत्त की वीरता थी, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाता। तो क्या उसे जीवित नहीं पकड़ सकते थे? तो क्या होता उससे? हम उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ाते ताकि वो नरभक्षी किसी और के प्राण ले सके। वो नरभक्षी नहीं होते, हम उन्हें बनाते। उसने मनुष्य के बच्चे के प्राण लिए हैं। नहीं, वो बच्चा सुरक्षित है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो? मात्र शंका और एक प्राणी के जीवन को समाप्त कर दिया आपने। से आखिर कहते हैं सिद्धार्थ, यदि मुझे संभवता लगे
कि कल राज्य पाने के लिए तुम मेरी हत्या कर दोगे तो क्या अनुचित करूंगा। यदि मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूं तो ज्येष्ठ अपने ज्येष्ठा से ऐसी बात नहीं करते। तलवार फेंक दो। देवदत्त सत्य कह रहा है युवराज सिद्धार्थ, यदि पशु एक बार भी मनुष्य रक्त चख ले तो पूरी बस्ती उजाड़ देता है। और युद्ध के नाम पर हम मनुष्य होकर भी बस्तियां नहीं उजाड़ते, केवल वीरता दिखाने के लिए हम उनका जीवन छीन लेते। परीक्षा हमारी और प्राण गंवाए वो हमारे लिए आखेट का आनंद और उनके लिए जीवन का अंत। क्या यह अन्याय नहीं? नहीं, मेरे देवदत्ता कोई अन्याय नहीं किया। कहीं ईर्ष्या तो नहीं कि जो कार्य तुम्हें एक युवराज को करना चाहिए वही कार्य मेरे पुत्र ने पूरा कर दिया। अरे तुम्हें तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु तुम इसी को दोषी ठहरा रहे हो। क्या यह अन्याय नहीं? और तलवार फेंक दो, यहां से अभी के अभी चले जाओ। चले जाओ। प्रश्न मेरे मन में उठा गोपा, कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं?
रामचंद्र की जय। महादेवी, आज का श्रृंगार अद्भुत है। आज श्रृंगार यशोधरा ने किया है। यशो, आज कोई पर्व है जिसे हम भूल रहे हैं? मुझे स्मरण नहीं, तुम ही बताओ आज क्या है। आज मैं अपने घर देवदा लौट रही हूँ बुआ। तुम जा रही हो, अभी तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। और तुम कुछ दिन और रुको हमारे पास। सुन लिया राम जी, बुआ कह रही है कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। अब आप ही बताइए इन्हें कि वहां पिताजी को कौन समझाएगा। यहां मुझे देखकर इनका मन नहीं भर रहा, और वहां देवदाह में मुझे ना देखकर पिताजी का मन क्रोध से भर गया होगा। हम सभी यहां हैं, सिद्धार्थ कहां है? महादेवी, मैं गई थी उन्हें बुलाने, परंतु वो अपने कक्ष में नहीं हैं। मैंने राजप्रसाद में भी सब जगह उन्हें देखा, परंतु राजप्रसाद में नहीं है तो फिर कहां है? कल रात वो प्रणाम करने भी मेरे कक्ष में नहीं आए। अनुज, आप चिंता ना करें महादेवी, मैं अभी युवराज को ढूंढ लाता हूं। हाँ हाँ महादेवी, आप चिंता ना करें, युवराज मिल जाएंगे। शयन कक्ष में ना हो तो आश्रम की कुटिया में होंगे, या फिर राज परिषद के छत पर हो सकते हैं, अथवा तालाब किनारे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चन्ना के साथ अश्वशाला में बैठे होंगे, अथवा आचार्य कौंडिन्य के साथ ज्ञान गोष्ठी में बैठे हो। कल तो युवराज ने बड़ी टिटोली की, जब आचार्य अश्वपाल ने उनसे राजनीति सीखने की बात की तो कहने लगे, स्वार्थ के पाखंडी खेल का नाम है राजनीति। लो महादेव, मैं भी ढूंढाती हूँ हमारे युवराज को। युवराज मिले? नहीं, सारा राजप्रसाद फिर से देख लिया, युवराज तो नहीं मिले, परंतु उनके कक्ष में। कक्ष में? कक्ष में क्या? आप स्वयं देख लें। तक उस जीव की पीड़ा को भूल नहीं पाए। मेरा हृदय ग्लानि से भरा है, मुझे मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। सब मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या ज्येष्ठ के कृत का विरोध करना अनुचित था? युवराज, जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी एक समान नहीं होती। तुम अहिंसा को मानते हो, देवदत्त नहीं। चीते ने अपनी प्रकृति में अधीन होकर बच्चे पर घात किया, और देवदत्त ने अपनी प्रकृति के अनुसार चीते का शिरच्छेद किया। तुमने अपनी प्रकृति के वश में होकर बच्चे के प्राण बचाए। जो कर सकते थे वो तुमने किया। इसमें ग्लानि से पीड़ित मत हो सिद्धार्थ।
गुरुवर, मुझे इस ग्लानी से मुक्ति चाहिए। क्या इस पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं? मुक्ति है। पशुओं की प्रकृति उनके प्राण के साथ जाती है, परंतु मनुष्य चाहे तो अपनी प्रकृति बदल सकता है। वो हिंसक से अहिंसक बन सकता है, वो स्वयं पर संयम पा सकता है जो पशु नहीं कर सकते। गुरुदेव, आप भी कोई उपाय सुझाइए। अपने मन को शांत करो, ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। यशो, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? सिद्धार्थ को ढूंढने बुआ। उसे पता है कि आज मैं देवदहा लौट रही हूँ और बिना कुछ बताए चला गया। पिताजी से विरोध कर मैं उसकी परीक्षा में उसका उत्साह बढ़ाने चली आई, और वो है कि यदि वो युवराज है तो मैं भी राजकुमारी हूँ। अब जब तक वो मुझे देवदहा लेने नहीं आएगा, मैं भी कपिलवस्तु नहीं आऊंगी। आने दे सिद्धार्थ को, आज मैं तेरी ओर से उसे डांटूंगी। फिर तो ठीक है ना? नहीं बुआ, जब वो आए उसे मेरी तरफ से बहुत प्रेम देना। कहना कि विदाई की बेला गोपा उसे बहुत स्मरण कर रही थी। प्रणाम महादेवी। अनुज अमितोधन ने सिद्धार्थ को ढूंढ लिया? नहीं, अभी तक वो आए नहीं। मैं यहाँ यशोधरा को लेने आया हूँ। मार्ग बहुत लंबा है, यशोधरा हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। रात होने से पहले हमें जंगल पार करना होगा। हाँ मजले मामा, मैं अभी आई। अनुज, यशोधरा को छोड़ने देवदा जा रहे हो। यदि भैया से कुछ कहा सुनी हो जाए तो मन मैला ना करना। आप निश्चिंत रहिए महादेवी, मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करूंगा। अमिता दीदी से कहना उनकी हंसी आज भी कपिलवस्तु में गूंज रही, मेरी तरफ से उन्हें खूब हसन। मैं भी चाह रही थी कि तुम कुछ और दिन रुक जाते, फिर देवदत्त तुम्हें देवता छोड़ा था। कह भी रहा था अभी तक तुम्हें यशोधरा से ठीक से मिला भी नहीं। अति शीघ्र आओ। तो सिद्धार्थ की बांसुरी की ध्वनि है। पालकी रोकिए, मजले मामा, लगता है सिद्धार्थ यहीं कहीं है। मैं उसे मिलकर अभी आती हूँ।
वाह रे हमारे आतिथ्य। गोपा तुम यहाँ? और यही प्रश्न मैं करूँ, तुम यहाँ तो वहाँ राजप्रसाद में सब तुम्हें ढूंढ रहे और तुम हो कि माना कि कोई डांटे तो बुरा लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे रूठ कर इस तरह वन प्राणी बन जाओ। ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो ना मिलो, वैसे भी मैं जा रही हूँ। 10 वर्षों के पश्चात आई हो, 10 दिन भी नहीं रुकोगी? रुक भी जाऊं तो करूंगी क्या? राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी और क्या करूंगी? मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वयं को। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं और तुम स्वयं को? हाँ, यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा कौन हो तुम, तो क्या कहूंगा मैं जब मैं स्वयं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। यशोधरा, तुम्हारे जाने का समय हो गया। गोपा, जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी सिद्धार्थ। क्या? यदि तुम बुरा ना मानो तो। मित्र मानता हूं मैं तुम, और तुम्हारे कहे पर बुरा मानने की दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूं? तो वचन दो, आज के पश्चात कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। मामा महाराज नहीं चाहते कि तुम साधु सन्यासी की तरह ध्यान में बैठो, और बुआ बुआ ये नहीं चाहती कि तुम सबसे अलग अलग रहो, अकेले रहो। मैं कभी अकेला नहीं होता, प्रत्येक क्षण मेरे प्रश्न मेरे साथ होते हैं। ये प्रश्न ही तुम्हारी समस्या के जड़ हैं। हमारे देवदाह में एक गुरुजी आए थे, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, जीवन को इतनी गंभीरता से ना जियो बालक, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। यशोधरा, और तुम भी द्रोणधन काका के बुलावे को अनसुना ना करो बालिके, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। फिर कब आओगी कुपा? जब तुम मुझे देवदाह लेने आओगे। जानती हो तुम, नगर के द्वार मेरे लिए नहीं खुलते कुपा। जानते हो तुम, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो प्रतीक्षा रहेगी समय की शाख पर, उस घड़ी के उगने की। जाते जाते एक और बात कहनी थी सिद्धार्थ। जा रही हो तुम? हाँ, वो तो है। कहो। पिछली बार देवदा जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे, सारा देवदा फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही। गोपा, आचार्य कौंडिन्य कहते हैं जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदा फूलों से भर गया, बांसुरी दे रहा हूं पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा।
युवराज? महादेवी, युवराज आ गए। महादेवी, सिद्धार्थ, कहां से आ रहे हो? उद्यान में टहलने गया था पिताजी। अथवा ध्यान में बैठने के लिए गए थे या बांसुरी बजाने? बांसुरी तो मैंने गोपा को दे दी। ये लो मेरी तलवार। मेरी इच्छा है मैं जब भी तुम्हें देखूं एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखूं। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। ये मत भूलो कि तुम एक क्षत्रिय हो। स्मरण है मुझे, मैं मनुष्य हूं। क्षत्रिय शिक्षा मनुष्य को सम्राट बनाती है और तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना निर्बल बना दिया है कि अपने पूर्वजों की तलवार का बोझ नहीं उठा सकते। और तुम्हारे कक्ष में चीते की मूर्ति का क्या अर्थ है? उसकी पीड़ा मेरे हृदय पर घात कर रही थी और मेरे हाथ उस पत्थर पर घात कर रहे थे और मूर्ति बन गई। सिद्धार्थ, कर्म ऐसे करो जिसपे अभिमान हो, ना के। राशिका जी, महादेवी, जाओ जाके भोजन का प्रबंध करो। युवराज ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिद्धार्थ, चाहो तो जाके स्नान कर लो। भाई महाराज, मैं कई दिनों से निरीक्षण कर रहा हूं। सिद्धार्थ की आचार्य कौंडिन्य के साथ घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। यह उनकी संगत और शिक्षा का ही परिणाम है कि युवराज ध्यान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हमें आचार्य कौंडिन्य को उनके कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। शत प्रतिशत काकाश्री। वैसे भी शिक्षा के नाम पे उनके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं रह गया, केवल दक्षिणा की लालसा है बस। नहीं महाराज, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आचार्य कौंडिन्य कपिल वस्तु के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं। उनकी संगत में रहकर सिद्धार्थ को सही मार्ग मिलेगा। उनके ज्ञान से हमें सिद्धार्थ को वंचित नहीं रखना चाहिए। देव, मंगला दीदी सच कह रही है। आचार्य कौंडिन्य से बड़ा ज्ञानी कपिल वस्तु में दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कपिल वस्तु के भविष्य को हानि, सिद्धार्थ को हानि। देवदत्त, आपको क्या आवश्यकता थी मजले काका की बात का विरोध करने की? मां, आप तो जानती हैं कि गुरुवर कौंडिन्य सिद्धार्थ के कितना निकट है और मुझसे कितने मतभेद हैं उनके। बचपन से लेकर आज तक हमेशा उन्होंने सिद्धार्थ का पक्ष लिया है और मुझसे केवल घृणा की है। और आज जब उनकी निवृत्ति की बात आई तो आपने तुम तो अपने पिता की तरह ही सोचते, सोचते समय आंखें छोटी कर लेते, आंखें बड़ी करके सोचो पुत्र, दूर तक दिखाई देगा। कौंडिन्य यहां रहेगा तो सिद्धार्थ का सन्यासी बनना निश्चित है। वो उसकी संगत में रहकर ध्यान में बैठना सीख रहा है और ध्यान में बैठने वाला सन्यासी ही बनता है, राजा नहीं। जाने अनजाने में सही
परंतु कौंडिन्य युवराज को कपिलवस्तु के सिंहासन से दूर लेकर जा रहा है, हमें बस उसका साथ देना चाहिए। वो हमारे लिए तुम्हारा कपिलवस्तु का सम्राट बनने का स्वप्न पूरा करेगा।